वो घटना जो है बिहार में, जिसके बहाने अभी मीडिया जंगल राज कह रही है, वो घटना बेगूसराय बिहार की। हाँ। असल में क्या है कि बेगूसराय में जो घटना हुई है, बेगूसराय से सांसद हैं भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र में जिस जाति से गिरिराज सिंह आते हैं, उस क्षेत्र में तमाम जितने भी अपराधी हैं, वो तमाम अपराधी गिरिराज सिंह की जाति भूमिहार जाति से आती है। और भूमिहार जाति के जितने भी अपराधी दबंग हैं, जब से ये भाजपा के नेता गिरिराज सिंह वहां से सांसद बने हैं, तब से वहां के भूमिहार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाए, हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि उनकी जाति का कोई, उनका करीबी कोई भाजपा का जानने वाला वो अपराधी निकले। और साजिश तो यह सरकार इस स्तर पर, यहां तो जज लोया भी हो जाता है, इस देश में जज की हत्या हो जाती है, तो कौन सी बड़ी बात है ये सरकार गिराने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हो, जंगल राज करार करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन समझिए, मतलब बिहार में जंगल राज नहीं है, यूपी में जंगल राज। जब भी किसी बैकवर्ड का, दलित का शासन होता है, तो इन बीजेपी वालों के लिए, इन मनुवादियों के लिए, इन मनुवादी मीडिया वालों के लिए, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जैसे जितने मीडिया वाले, सवर्ण मीडिया वाले हैं, इनके लिए जंगल राज हो जाता है, बैकवर्ड का शासन जंगल राज। और जो सवर्णों का शासन आ गया तो मंगल राज। ये हम लोगों को पढ़ाना बंद कर दे। हम लोग इस देश का जो ओबीसी समाज है, एससी एसटी समाज है, मीडिया के इस खेल को अब अच्छी तरह से समझ गया है। मीडिया को इतना गरियाते हैं, ये बताइए कि मोदी जी खुद को ओबीसी बता रहे हैं, वो ओबीसी हैं, मीडिया उनको सपोर्ट कर रही है। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। अगर जाति का नेता से काम चल जाता तो जो राष्ट्रपति बने थे हमारे कोविंद जी, उनके साथ जब वो राष्ट्रपति थे, सबसे अधिक दलित उत्पीड़न हुए। आप देखिए आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं, राष्ट्रपति जिस दिन राष्ट्रपति बनाया गया आदिवासी महिला को, उस दिन से आप देख लीजिए, हम लोग तो समझ गए अब आदिवासियों का बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और उत्तर प्रदेश का जंगल राज आप देख लीजिए, हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक क्या हालत है दलितों की, वहां वहां जंगल राज नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां ठाकुर का शासन है, क्योंकि वहां सवर्ण का शासन है। जहां सवर्ण का शासन होगा वहां मंगल राज, और जहां बैकवर्ड का शासन होगा, बहुजन का शासन होगा, वहां जंगल राज। यह खेल मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन है, क्योंकि यह मीडिया अच्छी तरह से समझती है कि ये लोग जब सत्ता में आते हैं तब इनका खेल खराब होने लगता है, तब आरक्षण की बात होती है, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई की बात होती है, हक की बात होती है, दलित उत्पीड़न के खिलाफ बात होती है, रोजगार की बात होती है, संविधान और लोकतंत्र की बात होती है। और इनको खेल करना है धर्म के नाम पर वोट वसूलने का, तो इनके धर्म की काट जाति से है। नहीं, नहीं, आप बताइए, आपको जंगल राज नजर आता है, आप देखिए क्यों नहीं आता आपको जंगल, बिहार में जंगल राज है ही नहीं। आप सीधा सीधा इग्नोर कर रहे हैं कि जो घटना हुई है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं, और सरकार फेल हुई है उस घटना को, सरकार के फेलियर का सवाल ही नहीं, वहां तो जांच का विषय है। जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वह घटना हुई है, वहां के सांसद गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह की जाति भूमिहार, और उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में सारे भूमिहार जाति के अधिकतर अपराधी हैं। तो जांच होनी चाहिए इस बात की कि जब से वो सांसद बने हैं, मिनिस्ट्री में आए हैं, तब से उस इलाके के भूमिहार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये लोग तो जज की हत्या कर देते हैं, ये लोग सरकार गिराने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मुझे तो उसमें ये लग रहा है बिहार के बेगूसराय वाली घटना में, कि इस घटना में भाजपा का हाथ है, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कहीं भाजपा का तो हाथ नहीं है, कि वो कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब से तेजस्वी डिप्टी सीएम बने हैं, सरकार बदली है, बीजेपी सरकार से हटी है, वहां रोजगार की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, मंडल कमीशन के आयोग की, मंडल आयोग के सिफारिशें लागू होने की बात हो रही है। यह खटक रहा है भाजपा को, यही जो खटकन है, यह मुझे बड़ी साजिश लगती है कि सरेआम बेगूसराय में यह जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे वो लोग शामिल हैं, उस राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं जिन्होंने बाथे नरसंहार कराया, जो रणवीर सेना को फंडिंग करते थे, वो लोग ये नहीं करवा सकते क्या?
जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों, और ऐसे सुशील मोदी जी की भी जांच होनी चाहिए। भाजपा के कई बड़े नेताओं का नाम उन नरसंहारों में भी आया था जब दलितों का नरसंहार हुआ था, तो जांच होनी चाहिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो इनका कोई न कोई सांठ गांठ जरूर निकलेगा। यह साजिश है बिहार में पिछड़ों की सरकार को बदनाम करने की। असली जंगल राज तो उत्तर प्रदेश में है। क्या हो रहा है वहां लखीमपुर खीरी में, क्या हुआ? हमारी दो दलित बहनों की जो है हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? हाथरस में क्या हुआ? हर दिन सरेआम क्या हो रहा है वहाँ उत्तर प्रदेश में? रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गलत किया है पुलिस ने बंगाल में। और जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ किया है, इतनी बेरहमी से पुलिस की पिटाई की है, वो एकदम अपराधी लग रहे हैं। पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार, पीट रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। क्या इनके घर में कोई नहीं है? कोई संवेदना नहीं है भाजपा संघ वालों को? गुंडा ये लोग पूरी तरह से गुंडे हैं। भाजपा और संघ के लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और इनके गुंडागर्दी पर रोक इस देश की जनता आने वाले समय में लगाएगी। हर दलित बच्ची के लिए स्मृति ईरानी खड़ी है, हर महिला के लिए स्मृति ईरानी खड़ी है। देखिए लखीमपुर खीरी के लिए स्मृति ईरानी नहीं आएंगी। हाँ। वो तो झूठ की मशीन है। अभी ताजा तरीन इनका तो ये असल में भाजपा और संघ झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री होती है, झूठ की मशीन है। झूठ अभी उन्होंने झूठ बोला ना, एक ताजा जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी को लेकर उनका एक बयान आया था कि विवेकानंद की मूर्ति को प्रणाम नहीं किया, निर्लजता किया, और वो वीडियो आ गया जिसमें विवेकानंद की मूर्ति को प्रणाम करके चल रहे। उनकी बेटी का जो बियर बार चलने का मामला है उसमें झूठ पकड़ा गया। ये उनका जो डिग्री है कौन कौन सा पता नहीं, ये लोग किस यूनिवर्सिटी किस ग्रह की डिग्री है, इतना झूठ ये लोग बोलते हैं। जवान फिसल जाते नहीं, नहीं बीजेपी वाले बोले तो जुबान फिसल गई, बाकी लोग जो बोले झूठ, मतलब तो प्रधानमंत्री जी की तो रोज ही जवान फिसल रही है। कहां से डिग्री लेकर आए हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर तो ये डिग्री कहीं नहीं पाई जाती है, कैम्ब्रिज से लेकर भागलपुर और बनारस और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में। पता नहीं मोदी जी हो सकता है एलियन होंगे, दूसरे ग्रह से डिग्री लेकर आए हैं, उनकी तो डिग्री का भी पता तो नहीं। डिग्री छोड़ी, डिग्री का क्या है? बीजेपी का विरोध करना, डिग्री पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि झूठ बोलते हैं ये, उनके झूठ पर बात हो रही है। देखिए अब जन्मदिन आ रहा है, थोड़ा सा कम आलोचना करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, उनके जन्मदिन से जनता को क्या फायदा होना है? उन्होंने 8 साल में, इस 8 साल में उन्होंने देश की जनता को तबाह और बर्बाद कर दिया है। सबसे अधिक मार अगर पड़ी है मोदी जी के अताताई की मार पड़ी है, उस देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर मार पड़ी है मोदी जी के, जितना उन्होंने अत्याचार किया है इस समुदाय के ऊपर। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं। आज हमारा मानना है इस देश में संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी इस देश के अंबेडकरवादियों की है। इसलिए हम लोग आखिरी दम तक लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। मोदी जी सारे हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं 18-18 घंटा काम करके, और आप ये कह रहे हैं भैया इतने पहले हिंदू की परिभाषा तो तय हो जाए, कौन है हिंदू? आरएसएस का चीफ 100 साल में सिर्फ ब्राह्मण होता है। आप भी तो हिंदू हैं। फिर हमको किसी दलित को आरएसएस का चीफ बनाओ, किसी आदिवासी को आरएसएस का चीफ बनाओ, किसी महिला को आरएसएस का चीफ बनाओ, तब न जाने यादव को बनाओ, गुर्जर को बनाओ आरएसएस का चीफ, तब तो मानेंगे कि हिंदू राष्ट्र है और हम भी हिंदू हैं। आप जज क्यों नहीं बना रहे, वाइस चांसलर क्यों नहीं बना रहे? जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी वाइस चांसलर क्यों नहीं है ओबीसी का, दलित का क्यों नहीं है? योग्यता नहीं है। कोई भी योग्यता क्या होती है? जो बच्चा अभी मांग रहा है आपसे चौक चौराहे पर 10-5 रुपया, उसका इंग्लिश स्कूल में कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दीजिए, फिर देखिए कम से कम वो इंजीनियर तो जरूर बनेगा। और जो बच्चा करोल बाग के पब्लिक स्कूल में पढ़ता है उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए, जहां गांव का दलित पढ़ता है, सब योग्यता का तेल निकल जाएगा। योग्यता तो अवसर का नाम है, जिसको अवसर मिला वो योग्य है। में सबसे ज्यादा आप लोग दिखते हैं, तो कहां से योग्यता आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि हम लोगों के अंदर धर्म और जाति का जहर इतना डाल दिया गया है,
उसको तोड़ने में बाबा साहब टूट गए, उसको तोड़ने में मान्यवर कांसीराम टूट गए, उसको तोड़ने में पेरियार की क्षमता खत्म हो गई। ये आसान नहीं है। जातिवाद का जो जहर है ना, वो एड्स के वायरस से भी खतरनाक है। ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। ये जो धर्म की अफीम है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक नशा देती है। इन मनुवादियों ने ये अफीम हमारे समाज के अंदर डाली है, और उस अफीम का इलाज, उस नशे का इलाज अम्बेडकरवाद है। उसी से इलाज हुआ है, उसी से इलाज होगा। तो फिर ये अम्बेडकरवादी मंदिर जाते क्यों हैं? मंदिर, राम मंदिर में बड़े खुश हैं। अभी की स्थिति आप 10 साल पहले की स्थिति देख लीजिए। 10 साल पहले हम ही मंदिर में सिर झुकाते थे, लेकिन जब अम्बेडकर को पढ़ा समझा तो हमने सिर झुकाना बंद कर दिया। कहां पढ़ा? तो ये ज्ञान से होता, तो अभी भी ये ज्ञान से होता। नहीं, सब लोग नहीं बदले हैं, जो लोग बदले हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट जो है पूरा देश का हर दलित ओबीसी अम्बेडकरवादी हो जाएगा। ये प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पेरियार, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, मान्यवर कांशीराम, इस तमाम लोगों ने इसके लिए लड़ा है, तब आज स्थिति बदली है। नहीं तो कहां कुछ हो रहा था। कल तक तो ये चैनल दलितों की बात नहीं करते थे, आज इतने हमारे चैनल हैं, आज बात जा रही है ना। अगर 20 लाख आपका व्यू गया एक वीडियो का, इतने लोगों ने तो देखा, तो धर्म पर कोई सवाल तो उठाना छोड़ दीजिए, कोई खिलाफ नहीं बोल सकता था। अब तो सवाल उठाया जा रहा है, तर्क की बात की जा रही है। बाबा साहब के आने के बाद हुआ, ये हजारों सालों की एक गुलामी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ये लंबा संघर्ष है, थोड़ा उबाऊ हो सकता है, थोड़ा थकाऊ हो सकता है, लेकिन ऐसी दोगला नीति खेली जाती है। पहले मेघवाल के लिए वहां पर आते हैं, धर्म और जाति की आलोचना करते हैं और बोलते हैं, और उसके बाद खुद स्टेटस लगाते हैं इस तरीके के, खुद गुरुओं को मानते हैं। नहीं, देखिए क्या है कि वो पर्सनल, किसी ने ऐसा अगर किया हो तो उनका पर्सनल इशू हो सकता है, कोई धर्म गुरु को माने या अम्बेडकराइट मिशन, नहीं होंगे, 50 भी होंगे, 50,000 भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हम उदाहरण नहीं मान सकते। वो उदाहरण नहीं है, उदाहरण बहुत सारे लोग हैं जो लगातार, इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला। इस बात को ठीक से समझ लीजिए, अम्बेडकरवाद इतनी आसानी से नहीं आएगा। देखिए, आस्तिक होना बड़ा आसान है कि पत्थर पे जाके नारियल पटक दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, बड़ा आसान है। लेकिन पत्थर से, पत्थर पे अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा, नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होगा। यह समझने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा। आप अम्बेडकरवादी जितने हैं ना, दूसरों की आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं। देखिए, हम इनकी आस्था का अचार भी ना डालें। जिनकी आस्था आहत हो जाए, हम तो चाहते हैं कि आस्था आहत होनी चाहिए। FIR 24 FIR हो चुका है, और हो जाए, हम चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो सेंचुरी। आप धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं लोगों, जिनकी भावना भड़क रही है भड़क जाए, हम तो चाहते हैं भड़के भावना, जिनकी भड़कनी हो भड़क जाए। लेकिन हम क्राइम है, हम बात करते हैं अम्बेडकर की, हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं तर्क की, हम बात करते हैं पाखंड के खिलाफ, हम बात करते हैं लोकतंत्र बचाने की, हम बात करते हैं अपने समाज के अधिकार की, हम बात करते हैं अपने समाज की हकमारी के खिलाफ लड़ाई की। इससे अगर किसी की भावना भड़कती हो, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। मोदी जी भी तो लोकतंत्र बचा रहे हैं। मोदी जी ऐसा लोकतंत्र बचा रहे हैं कि हम लोगों का आरक्षण लगभग समाप्त कर दिया। मोदी जी ऐसा लोकतंत्र बचा रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के चक्कर में लगभग देश की पूरी संपत्ति बेच दी। मोदी जी ऐसा लोकतंत्र बचा रहे हैं। तो हम लोग मोदी जी से आग्रह करते हैं, आप अब माफ करिए इस देश को, इस देश को आप बर्बाद कर चुके हैं, अब इस देश को जनता के भरोसे छोड़ दिया। आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उन्होंने तो आरक्षण दे दिया 10% और EWS। हाँ, तो सवर्णों को देंगे ना आरक्षण, हमारा तो खत्म कर दिया, हमारा तो खा गए, हमारा ही हिस्सा तो बांट रहे हैं, हमारा तो खा गए निजी का। मोदी जी को कौन बदनाम कर सकता है भैया? मोदी जी ने खुद ही इतना पूरी दुनिया में नाम कर रखा है। हम, आप हंगर इंडेक्स उठा कर देखिए, आप जो है हैप्पीनेस रेट में देखिए, आप देश की GDP देखिए, गर्त में जा चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए। मोदी जी ने दुनिया में 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। देखिए, मोदी जी ने खुद ही ठेका ले रखा है ये सब करने का, हम लोग उसमें सहयोग नहीं कर सकते। आपने सारे इंडेक्स बता दिए, एक इंडेक्स मैं भी बता देता हूँ, पटेल साहब की, ओबीसी नेता थे बहुत बड़े, पटेल साहब की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा दी। बिल्कुल, और भी बनाएंगे, अभी एक जो मंदिर बन रहा है ना, वो उससे भी ऊंची बना देंगे। उस 100 साल तक उससे ऊंचा कोई नहीं बना सकता, लेकिन मंदिर बनाएंगे वो
हमें वाइस चांसलर नहीं बनाएंगे, वो इस देश के एससी एसटी ओबीसी को प्रोफेसर बनने का मौका नहीं देंगे, वो हमें मीडिया में एंकर बनने का मौका नहीं देंगे, वो हमें कंपनी में सीईओ बनने का मौका नहीं देंगे, वो मूर्ति बनवाएंगे, वो मूर्ति बनवाएंगे। अगर आप बीसी बन गए फिर सफाई कौन करेगा? यही तो सवाल है, उनको खटक क्या रहा है? उनको खटकता ये है कि जिनकी थाली में सूखी रोटी भी नहीं होती थी वो आज पूरी और खीर खा रहा है, यही तो खटक रहा है। उनको खटक ये रहा है कि कल तक जो हमारे सामने चारपाई पर नहीं बैठ पाता था आज सोफे पर पैर चढ़ा के बैठता है, यही तो खटक रहा है उनको, यही तो दिक्कत है। ये हमारे समाज का एक हिस्सा भले ही ना सोचता हो लेकिन उनको पता है, जिनके सामने हम कभी खाट पर ना बैठ पाते थे उनको पता है, जिनके लोग कभी मेरे दादा के यहाँ से गाय का बछड़ा खोल कर ले गए थे उनको पता है। आप तो विरोधी हो, आपका काम है आलोचना करना मोदी जी की? हमारा काम मोदी की आलोचना करना नहीं है, हमारा काम है अपने समाज के लोगों के हक अधिकार की बात करना, हमारा काम है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारा काम है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समता मूलक समाज का सपना देखा उस सपने में अपना अंश भर योगदान करना, और वही काम बहुजनों की बात कर रहे हैं। उदित राज जी खुद कहते हैं बहुजन आंदोलन ने जातिवाद को और बढ़ाया है। उदित राज जी का जो लेख है, एक लेख अभी आया इस पर बहुजन आंदोलन को लेकर, उस लेख को पूरा पढ़ा जाना चाहिए किस संदर्भ में लिखा गया है। आप ये बताइए, हम लोग ब्राह्मणों को रोज गाली देते हैं जातिवाद करता है, हम क्या करते हैं? दुसाद चमार से शादी करता है, चमार खटिक से शादी करने के लिए तैयार है, क्यों शादी? आपस में आप रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, गाली दे रहे हैं ब्राह्मणों को, वो जातिवाद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप जो है हम क्या कर रहे हैं? मैं वही बता, हम वही बता रहे हैं, हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं वो आपस में एक होने के लिए तैयार नहीं है, गलियाए जा रहे हैं ब्राह्मणों को, गलियाए जा रहे हैं सवर्णों को, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, दिमाग में जो जातिवाद की गंदी सोच है, जो मनुवादियों ने ब्राह्मणवादियों ने हम सबके दिमाग में जो जहर डाला है जातिवाद का, उस पर बात करना तो होगा। पाले भी तो हमें हम ही जा रहे हैं, मैं उसी पर तो बात कर रहा हूँ, उस जहर को निकालना पड़ेगा, उस पर बिना बात किए संभव नहीं है, हम सबको भी अपने अंदर का जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। आप तो कहते हैं जाति है, जो जाति नहीं है कभी जाएगी ही नहीं, मैं तो कभी नहीं, मैं 5-6 लाख साल बाद की बात कर रहा हूँ, तब भी नहीं जाएगी। एड्स का इलाज निकल जाएगा लेकिन जाति का इलाज इस दुनिया में संभव नहीं है, संभव नहीं है। आपके हिसाब से क्या इलाज होना चाहिए? अंबेडकर की बात करें, संविधान की बात करें, बाबा साहब का जो लिटरेचर है वो पढ़े, समता मूलक समाज की बात करें, संविधान में जो अवसर की समानता की बात की, नहीं पढ़ने का क्या मतलब है कि प्रैक्टिकल में लाना है ना उसको, संविधान संविधान पर बात हो ना, संविधान क्या कहता है? आपके आपके समाज, आपके समाज की जो दकियानुसी विचारधाराएं हैं वो क्या कहता है, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से उन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। अंबेडकर साहब की बात करते हैं शाम को मंदिर, आप भी चले जाते हैं चुपके से? ये मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, मेरे ऊपर तमाम FIR है, धार्मिक भावना भगवानों का अपमान कर। अभी हाल में ब्राह्मण महासभा ने भी मेरे ऊपर मध्य प्रदेश में एक वो पुलिस केस कर दिया है धार्मिक, तो वो चलता है। आप उनकी दुकान बंद करेंगे तो कोई रोजी रोटी नहीं, हम उनकी दुकान बंद करने वाले कौन होते हैं? हम तो अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि भैया तुम वहाँ मत जाओ, अरे उनका कस्टमर खा रहे हो आप। अब ये उनको लगता है तो ठीक है, लेकिन वो हमारे लोगों को खराब कर रहे हैं, हमारे लोग संविधानवादी होने चाहिए। अंबेडकर आपने तब भी विरोध शुरू कर दिया? नहीं नहीं अर्चना, मैं तो एक इसका दूसरा पहलू भी है, अगर कोई दलित जाए किसी मंदिर में किसी धार्मिक स्थल में तो लोग बताता है जूते से पीटा, मुझे बड़ा दुख होता है, सिर्फ जूते से क्यों पीटा? जूते से पीटा तो फटे हुए जूते से पीटा कि नहीं पीटा? तो दलितों का मंदिर लोकतंत्र संसद है, मंदिर वो धार्मिक मंदिर नहीं है, दलित तो पहले हिंदू ही नहीं है, मैंने अभी आपको बता दिया, तो आप भैया आप हिंदू नहीं है, दलित हिंदू ही नहीं, श्री राम का नारा कौन लगाता है? नहीं नहीं दलित हिंदू है ही नहीं, दलित राम नौ यही तो लेके निकलता, यही तो कंफ्यूजन है कि दलित हिंदू है ही नहीं, दलित सिर्फ जो है उनके पीछे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए और मस्जिद कोड़ने के लिए, दलित हिंदू होता भैया तो दलितों को आरएसएस का चीफ बना देते,
दलित हिंदू होता बनाते ना आरएसएस का चीफ, काहे नहीं बना रहे? अभी आरएसएस का चीफ दलितों का तो नंबर में बार बार कहता हूँ 10-20 लाख साल लगेगा। ब्राह्मणों में भी एक एक्सेप्शन रज्जू भैया को छोड़ के सिर्फ चितपा हाँ बना दे कोई आपको बनवाना जो चितपावन ब्राह्मण है वही हो सकता है। ब्राह्मणों में भी हमारे यहाँ बड़ा कहावत है मैथिली ब्राह्मण बड़े अच्छे होते हैं, मैथिली ब्राह्मण का नंबर अभी तो बहुत दूर है। ब्राह्मणों में भी सब ब्राह्मण का नंबर नहीं आया है आरएसएस का चीफ बनने में, तो दलितों की बात छोड़िए। नहीं हम कौन होते हैं लड़ाने वाले, हम तो बस हम तो मैथिली ब्राह्मण को कानकुब्ज ब्राह्मण को और जो ब्राह्मणों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनसे कहना चाहते हैं भाई तुम भी बनो कभी आरएसएस का चीफ। तो चितपावन ब्राह्मण अभी बन रहा है 100 साल में, उसके अलावा कोई बना नहीं, तो हो सकता है मैथिली बन जाए 100 साल बाद, अगले 1000 साल बाद कोई राजपूत बन जाए, फिर बने बने हो सकता है 10-20 लाख साल बाद कोई दलित आदिवासी आरएसएस का चीफ बने। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम तो भैया सबसे प्रेम करने वाले लोग, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। आरएसएस का चीफ अभी चितपावन ब्राह्मण है, और भी ब्राह्मणों को मौका दीजिए, अभी उन्हीं में मारा मारी मचे थोड़ा। नहीं हमने नहीं खोजी है, हम खोजने वाले जाति का न निर्माण हमने किया, हम तो जाति व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं। अगर हमने जाति खोजने का काम किया होता, जाति बनाने का काम किया होता, तो हम तो ऊपर रहते, हम तो चार में भी नहीं है, हम तो चार से भी नीचे पंचम वर्ण है, हमें पंचम वर्ण अस्पृश्य कहा गया, तो हम तो उसमें है ही नहीं। हम कौन होते हैं जाति खोजने वाले? जाति खोजने वाले आदि गुरु शंकराचार्य थे, जाति खोजने वाले वो थे, हम कौन होते हैं जाति खोजने वाले? हम तो इस व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं। चलिए ठीक।